इमरान को। अब हम सत्य बहुमत पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह ये जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। बहुत अच्छे तरह से जनसभा को संबोधित किए। हम उनसे पूछते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे सिवानवासियों को। सिवानवासियों को मैं अपने तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से यही कहूँगा कि यह सत्यदेव चौधरी का जो पार्टी है और हमारी पार्टी है, यह एक जनसैलाब लाएगी और आने वाले दिनों में यह एक मिसाल क्रांति के रूप में आएगी, जो कि गठबंधन सरकार को ध्वस्त करेगी। कमी, दिल्ली में केंद्र की सरकार जो बनती है उसमें राष्ट्रपति का योगदान रहता है, वह मनोनीत न करे गठबंधन युक्त सरकार को, वह चुनाव आयोग से सर्वेक्षण करवावे कि किन पार्टी को कितना मत आया है और उसको पार्टी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। दूसरी चीज़, राज्य में यदि सरकार बनती है तो राज्यपाल महोदय चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी से उनके मतों का गणना करवाएं कि सबसे ज़्यादा आरजेडी को मिला है कि जदयू को मिला है कि आरडे को मिला है कि बीजेपी को मिला है कि सत्य बहुमत पार्टी को मिला है। जिन पार्टियों को सबसे ज़्यादा बहुमत जनता का मिले उसको सरकार बनाने के लिए वह आमंत्रित करें। बस मेरा निवेदन यही रहेगा कि कम से कम उच्च पदाधिकारी जो हैं, जो अभी बागडोर जिनके हाथों में रहती है चुनाव का, वह उसी आदमी को निमंत्रित करे सरकार बनाने के लिए जो जनता के फुल बहुमत में और सबसे ज़्यादा मत जिनके पास हो। बस बहुत सत्य बहुमत पार्टी का सिवान जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। जैसे कि इतना सत्य बहुमत पार्टी का जहाँ तक हम लोग का कदम है वहाँ तक नहीं बढ़ाएंगे। रह गया इलेक्शन, तो इलेक्शन को हम लोग इलेक्शन ही लड़ेंगे। लड़ने के बावजूद सत्य बहुमत पार्टी को या बहुत बहुमत से लेकर चलेंगे आगे।